स्वागत है आपका हमारे तीसरी वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द ईपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ई एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यानी हमें इन क्वेश्चंस में हमें ए दिया गया है और डी दिया गया है और हमें इनके आगे के चार टर्म्स को बताना है। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ए 10 दिया हुआ है एंड डी 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे कि ए 10 और डी 10 एंड देन हम लोग ए 2 निकालेंगे। ए 2 का फॉर्मूला ए प्लस डी, तो ए हमारा डी 10 लिया एंड डी हमने 10 लिया, 10 प्लस 10 20। सिमिलरली ए 3 निकालेंगे तो ए प्लस 2 डी करेंगे, 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। एंड सिमिलरली ए 4 निकालेंगे तो ए प्लस 3 डी यानी 10 प्लस 3 इंटू 10, 30 प्लस 10 40। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने चारों टर्म काफ़ी आसानी से निकाल लिया। दस द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपीआर 10, 20, 30 एंड 40। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे इसमें, हम लोग आगे भी देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू माइनस 2 एंड डी इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखते हैं, तो हमने लिख लिया सबसे पहले कि ए माइनस 2 है एंड डी 0 है। ए 2 निकालने का फॉर्मूला ए प्लस डी, माइनस 2 प्लस 0 किया हमने और माइनस 2 आया। ए 3 निकालने का फॉर्मूला ए प्लस 2 डी, माइनस 2 प्लस 2 इंटू 0 किया, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा एंड फिर से रिजल्ट माइनस 2। एंड सिमिलरली ए 4 भी हमारा ए प्लस 3 डी, वो भी माइनस 2 आएगा। यानी हमने देखा कि इसका फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों टर्म बराबर आया है। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसा केस आता है तो उसको भी हम लोग ए पी के अंदर कंसिडर करते हैं। हमारा डी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में जैसे हमारा 0 है तो हम लोग इसको भी कह सकते हैं कि एपी में है। तो जो हमारा फर्स्ट फोर टर्म्स होगा इस एपी का वो क्या होगा, माइनस 2, माइनस 2, माइनस 2 एंड माइनस 2। ठीक है, सो नाउ हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तो इसमें हमारा जो डी है ये नेगेटिव है, ए 4 है एंड डी माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख लिया ए 4 एंड डी माइनस 3। ए 2 निकालेंगे ए प्लस डी, 4 प्लस माइनस 3, 4 प्लस माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली ए 3 निकालने का फॉर्मूला ए प्लस 2 डी लिखेंगे, 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 एंड माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 आएगा। सिमिलरली ए 4 जो होगा हमारा ए प्लस 3 डी, ए प्लस 3 डी यानी 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 एंड माइनस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 5। सो जो हमारा चारों टर्म्स होगा वो इस प्रकार से होगा, पहला टर्म तो 4 दिया हुआ था एंड सेकेंड टर्म हमने 1 निकाला, थर्ड माइनस 2 एंड फोर्थ इज माइनस 5। तो इस तरीके से हमने इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको ए दिया हुआ है माइनस 1 एंड डी इज 1/2। तो हम लोग ने लिखा यहाँ पे गिवन ए इज इक्वल टू माइनस 1, डी इज इक्वल टू माइनस 2। हम लोग ए 2 लिखेंगे, ए 2 का फॉर्मूला ए प्लस डी, ए का वैल्यू रखा माइनस 1 प्लस डी का वैल्यू रखा 1/2। इसको कैलकुलेट किया हमने तो माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अब ए 3 निकालेंगे, ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू ए के जगह पे ए का वैल्यू माइनस 1 रखा प्लस 2 इंटू डी के जगह पे हमने 1/2 रखा, तो हमारा जो रिजल्टेंट आया वो आया 0। एंड सिमिलरली हम लोग ए 4 निकालेंगे, ए 4 इज इक्वल टू ए प्लस 3 डी एंड यहाँ पे ए जो आया हमारा वो माइनस 1 आया, फिर से हमने वही वैल्यू रखा एंड 3d 3 इंटू 1/2 एंड सिमिलरली हमारा जो रिजल्ट आया वो 1/2 आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो एपी के जो पहले चार टर्म्स थे वो माइनस 1, माइनस 1/2, 0 एंड 1/2 थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नंबर 5 जो है वह इसमें दिया हुआ ए इज माइनस 1.25 एंड डी इज माइनस 0.25। तो इसमें फिर से हम लोग लिखेंगे ए माइनस 1.25 एंड डी इज इक्वल टू माइनस 0.25। ए 2 लिखेंगे हम लोग ए प्लस डी, ए के जगह पे ए का वैल्यू, डी के जगह पे डी का वैल्यू, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस 1.50। सिमिलरली ए 3 निकालेंगे हम लोग, फार्मूला रखा उसका ए प्लस 2d, ए की जगह पे ए का वैल्यू रखा प्लस 2 इंटू डी की जगह पे डी का वैल्यू रखा, इसको कैलकुलेट किया हमने आया रिजल्ट माइनस 1.75। एंड सिमिलरली ए 4 निकालेंगे हम लोग, ए 4 का वैल्यू होगा ए प्लस 3d और इसमें भी ए की जगह पे ए का वैल्यू रखा प्लस 3 इंटू एंड डी की जगह पे डी का वैल्यू रखा माइनस 0.25, इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस 2। एंड इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इज द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपीआर, माइनस 1.25, माइनस 1.50, माइनस 1.75 एंड माइनस 2। थैंक यू।